संकीर्तन यज्ञ जय की, गौर हरि हरि पेमानंद बोल, कपिलधारा धाम की, जय शिलप्रपात की। जय। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग शिलप्रपात की जय? हमने बोला शिलप्रपात क्या मतलब हुआ? उनका टीचिंग सर, टीचिंग जो भी है वो मर्सी से ग्लोरीफाई कर। थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक्स वी आर गिविंग। Very good, we are giving thanks to Srila Prabhupada. What he has done? He's done everything. Yes, what is that everything? What we are doing. जोर से बोलिए, एकदम गौरव गौरव पूर्वक बोलिए। हाँ, आज हम लोग जहाँ भी हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ प्रभुपाद की वजह से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे अब जैसे हम लोग कपिल धारा घूम रहे हैं और कृष्ण, मैंने कि अपने आप को ट्रांसफर किया हम लोग, मतलब बीइंग अ मेटलिस्टिक टू स्पिरिचुअलिस्टिक। हरिबो, तो व्हाट वाज देयर इन भागवतम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, प्रभुपाद हैज पुट इनटू प्रैक्टिस। समझ रहे? देवती को मटेरियल कॉन्शियस से स्पिरिचुअल कॉन्शियस में ला रहे कपिल देव। सो प्रीवियसली डिवोशनल सर्विस वाज नॉट एक्सेसिबल टू। क्या हुआ? ठंडी देश से आएगा, फ्लाइट आएगा ना। क्या बता रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऊपर रेड लाइट थे। प्रभुपाद ने हमको जो भक्ति था जो उसको एक्सेसिबल बना दिया सबके लिए। पहले डिवोशनल सर्विस वाज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, इट वाज ओनली टू वेरी फ्यू इट वाज एक्सेसिबल। आज भी देखो मंदिरों में केवल ब्राह्मण लोग पूजा करें और कोई बाहर के लोग हैं? हाँ हैं। हरे कृष्ण। तो गाड़ी के अंदर कैपेसिटी है चलने का, लेकिन जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेगा तब तक पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन वी नीड एक्सटर्नल डिवोटीज एसोसिएशन। आप देखिए कोई मंदिरों में ज्यादातर पुजारी इन्वॉल्व है पूजा करना, समझ रहे? देखिए वो कौन बजा रहा घंटा? बिकॉज भगवान को हमसे दूर किया जा रहा है। भगवान बहुत दूर है, बहुत प्योर चीज है, आप उसके लायक नहीं, समझ रहे? भगवान के लायक आप लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, चल जाएंगे। बट यहाँ पर देवहूति को कपिल देव क्या सिखा रहे? समझ रहे? कि गॉड इज लविंग अस, ही इज देयर विद अस। कल हमने श्लोक का चर्चा कर रहा था, हाँ, तो देवहूति को क्या बोल रहे हैं कि कपिल देव इज टेलिंग दैट भक्ति योगा इज द मोस्ट इजिएस्ट प्रोसेस, द इजिएस्ट प्रोसेस। आवाज ज्यादा है लेकिन उधर कर आगे, आगे करना पड़ेगा। साउंड सिस्टम उधर क्यों नहीं करे? आगे इधर करो तो कहाँ सुनेगा उधर? हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है ना? आराम से करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 रा
आज हम मंदिरों में देख रहे हैं केवल ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, नो डाउट दे आर ग्रेट पीपल, बट लोग विजिटर्स के आते हैं विजिटर ही रहते हैं। गोपाल ने क्या किया, हर एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दिया। तो लोग दासी कहते हैं वहां पर मंदिर में सब गृहस्था में सेवा कर रहे हैं भगवान का, समझ रहे, माता ही लोग सेवा करें एवरी डे, वो लोग भगवान को भोग ऑफरिंग कर रही है, भगवान के लिए गार्लैंड बना रहे हैं, मतलब प्रभुपाद केवल द टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भागवत। यहाँ पर मैं देखा पुजारी जी बेचारे अकेले पढ़ रहे, कल भी शाम को अकेले वो अपना पाठ कर रहे हैं, समझ रहे, पाठ मतलब कुछ गाना नहीं, जो श्लोकात गाना है वही उसका एक्सप्लेनेशन, दैट इज नॉट डबल, बस सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, समझ रहे। बट ऐसा नहीं कि आदमी प्रीच नहीं होना चाहता, बट वी आर नॉट गिविंग दम ऑपरेशन। प्रभुपाद ने घर घर में कृष्णा को सिखाया, लोग भगवान आपके हैं, भगवान किसके हैं, आज हम लोग वॉइस में, अरे कैसे होता है ये पहले एडुकेशन से होता है, क्योंकि भागवत को दिया हुआ है, कपिल देव का टीचिंग और देवती को देखेंगे तो कपिल देव ही बोल रहे हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते, समझ रहे, सिखा रहे। देवभूति गई है कपिल देव के पास कि मैं डिस्टर्ब, मैं क्या हूँ, हाउ एम आई डिस्टर्ब, वो बोल रही है निर्विन्ना नीतराम असत इंद्रिय दर्शना येन संभाव मानेन प्रपन्ना अंतम प्रभो। तो असत इंद्रिय दर्शना में इंद्रियों के भोग से दर्शित संतुष्ट नहीं हो पा रहे, ये असत इंद्रिय है, क्या ये असत इंद्रिय इसके द्वारा मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, समझ रहे। So anybody, all of us in our life will be somehow or other disturbed by sense gratification today or tomorrow. समझ रहे? और वो साधु के पास जाएगा जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो sense gratification करते समय थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन mostly आपको entangle कर देगा। Maybe like maybe I will have lot of watch from things like that, but अंदर से खोखला मन लगेगा। टाइमली बहुत सारा मिजरीज भी, गोपाल जी का एग्जाम्पल दे रहे, कल याद है एग्जाम्पल दे रहे कैसे, हाँ अगर कोई दूध पी रहा है तो दूध पी रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको गाय पालना पड़ेगा, मेहनत करना, उसको मैंने रसगुल्ले चेंज कर दिया था, रसगुल्ला खाने से पैसा आपको कमाना पड़ेगा। सो पीपल इन दिस वर्ल्ड देवभूति इज गोइंग टू कपिल विद अ प्रॉब्लम, अगर वो गीता ज्ञान दे देगी यही संस्पर्श लाभ होगा, दुख होने होते आते मंत्र पहुंचे जाते सुख, पर आज सही से किसी को ज्ञान ही नहीं। लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान के पास, साधु के पास या भगवान के पास कि महाराज हमारा बीवी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो चल रहा है, घर में जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, डज एनीबडी टीच देम कि सब चीजें हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, ओके पूजा करो ठीक हो जाए, क्या बोलते हैं जॉब नहीं लगवा देते, व्हाट डू पीपल टीच, शादी जो शादी करवा देते, एग्री तुमको पैसा नहीं पैसा मिलवा देते, दैट्स व्हाट द हिंदी भजन, ओम जय जगदीश हरे, शादी जय जगदीश,
का क्या है? दक्षिण जलो के संकट क्षण में दूर करे। सो एंड व्हाट इज द संकट? व्हाट इज द संकट? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यस, वेरी नाइस। द बिजली व्हाट पीपल फील इज ऑब्स्टेकल्स इन देयर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दे कंसीडर बिजली। एंड ब्लेसिंग मींस अनहिंडर्ड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यही तो मेडिटेशन मांगते हैं लोग, और क्या मांगते। बट हाउ मेनी साधु पीपल यू गो टू टेम्पल एंड विच टेम्पल दे इनलाइटेड यू व्हेन यू आस्क फॉर गुड हेल्थ और गुड वेल्थ? ये सब मिजरेबल है, ये सब ठीक है, टेम्पररी है, ठीक है। तो ब्राह्मण का समझ इसे मेन नहीं, तो मंदिर सिखा दे, बोले पूजा करो भगवान पूरा कर देगी, मन्नत मांगो पूरा हो जाए। उसको ऐसे कौन बांधना, कल भी सिखाया था उसको एक और रस्सी से बांध, एक और टॉवल से बांध, एक और टॉवल से बांध तो बैलेंस हो जाएगा। What are people praying to God? Facilitated by self gratification. आप बचपन से इतने मंदिर गए होंगे अपने घर के आसपास, देवघर ये होगा पटना, समझ रहे? सब मंदिर प्रसाद ही बांटेगा, बाबा जी आशीर्वाद देगा, तो बाबा जी है बेटा क्या चाहिए तुम, ठीक है कि नहीं? कहाँ पर कुछ देखा है किसी को मंदिर में जाकर आप मांग रहे हो वे वे दे दो वो दे दो बुलाए, सब से कुछ नहीं होगा। तभी गीता में 50 जगह भगवान सब बोल रहे बैठे दिए से कुछ वो करें टॉलरेट करो ईमान पे स्पर्शास टू कॉल दे। हां, हर चैप्टर भगवान बोल रहे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन लीड टू डे। सेकंड चैप्टर में कहां बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं बराबर, एक्टिव सही से बैठो पहले, जोर से बोलो। हाँ, मात्रा स्पर्शास तू कौन थे? हाँ, शीतोष्मा सुख दुखा उसके आदर पाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका श्लोका का पूरा का मतलब होता है कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है वो एकदम टेम्पररी सीजन की तरह, जैसे विंटर और समर का नहीं आता, तो जो वन शुड टॉलरेट विदाउट बीइंग द हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस समझ रहे? और क्या बोलते हैं भगवान, और कहा बोल रहे हैं? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पे प्रति आकर्षित मत हो, वन इज टू कंफर्टेबल करें, टॉलरेट करो इस डिजास्टर। यूजुअली पीपल गो टू गॉड टू फुलफिल डिजास्टर, बेटर डिजास्टर, इज इट नॉट? मोस्ट ऑफ द पीपल 99.99% पीपल गो टू टेंपल कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, मदद पूरी करो। पर भगवान गीता में तो बोला मदद तुरंत मत मांगो, कंक्लूजन बोला सर्वधर्म पंडित 2.14 में क्लियर बोल रहे, 2.11 से बोलना चालू कर दे रहे पुरख भौतिक हो रहे तू आध्यात्मिक हो, यू आर नॉट बॉडी और स्पिरिट, यू डोंट हैंकर फॉर मेटल हैप्पीनेस। इसको टॉलरेट करोगे तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एक्सेस मिल जाएगा, 2.15 में बोल रहे थोड़ा टॉलरेट कर लोगे तो एक्सेस किसका मिल जाएगा? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, समझ रहे? उसके बाद 2.42 में बोल रहे कि अरे ये वेदों में जो आप इतना सारा तुमने वेदों में लिखा हुआ है ये पूजा करोगे तो लड़का हो जाएगा, ये करोगे तो आपको ये यज्ञ करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, तो बेकार है तो काहे के लिए आप दिया हुआ वेदों में, बोले मूर्ख बनाने के। तो पर बड़ी तुम्हें क्या लिखा भगवान पढ़ेंगे नहीं आप लोग गीता, इधर भी गीता पढ़े कौन से श्लोक भगवान बोल रहे हैं? क्या श्लोक याद है? क्या पढ़ा फिर तू? हाँ, क्या पढ़ा और कुछ पढ़ा है? क्या बताया तू?
लिखा क्या है भगवान बोल रहे हैं कि मन्नत तो मांगने के लिए कोई फायदा नहीं है, तो कोई बोलेगा भाई इतना सारा वेदों में तो लिखा हुआ है, ये यज्ञ करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये समझ रहे हैं कि ये पुत्र अच्छी यज्ञ, इसको यह करेगा तो पुत्र मिल जाएगा, इसको यह करेंगे तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, सूर्य का आराधना करोगे आरोग्य मिल जाएगा, सब तो वेदों में दिया हुआ, तो वेदों में तो दिया हुआ है। अब फिर बोल रहे हैं आपकी सब मांगने की जरूरत नहीं, डोनेट करो, मतलब क्या भगवान गीता में 2.42 में बोलते हैं या फिर पुष्पिता वाचा, ये सब क्या है, ये सब फ्लावरी वर्ड्स है वेदा से, इस प्रकार से जंगल में बहुत अच्छे अच्छे फूल है, फिर पॉइंटर्स क्या है वो फूल है अच्छे, लेकिन वो क्या है जैसे ये भी पॉइंटर से समझ रहे कहाँ से गिरा दस, ये भी गिरेगा पूरा मेटल वर्ल्ड ऐसे ही है, वो सीट बनाया गया इल्यूजन क्या आपको लगेगा हाल रख दो गिरेगा एक दिन आपको, ऐसे ही है पॉइंटर्स फ्लावर्स ऑफ 2.42 में क्या बोल रहे भगवान, क्या आपका श्लोक है 2.42 गीता का, एक गीता पूरा बहुत अच्छा बुक है याद कर लेना, मेरे पिछले दौरा ही मिला कैसे दौरा है ये आप लोग कैसे देखो, तो कुछ एक्टिव होना चाहिए कहीं इधर देखना चाहिए कुछ ना, आप लोग इधर एक्टिव उधर बैठे हैं यमिमं पुष्पितां तो बोल रहे ये जो वेद वाद रटा होते हैं, मतलब वेद वेद को वाक्य रट लिए, ये यज्ञ करोगे ये मिल जाएगा, ये करोगे ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन उसको पता नहीं कि एग्जैक्ट पर्पस क्या है वेदों का, समझ रहे व्हाई दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगे स्वर्य गति प्रति, तो जो कम बुद्धि वाले हैं भगवान बोल रहे हैं अविपस्थित, अविपस्थित मतलब बहुत ज्ञानवान, अविपस्थित मतलब मूर्ख कम बुद्धि वाले, वो लोग वेदों के पास जाते हैं भौतिक चीजों के, एटलीस्ट कुछ तो बुद्धि है कि वेदों में जा रहे हैं, एटलीस्ट जिसका कुछ बुद्धि नहीं हो तो वेदों में जाता ही नहीं, समझ रहे जैसे कोई कोई वॉइस आया अच्छा प्रसाद खा, एटलीस्ट अच्छा प्रसाद खाने तो आया है, लेकिन वॉइस को क्या अच्छा प्रसाद मिलता है, गीता क्लास बहुत कुछ है समझ रहे कि अच्छा कैरियर मिलेगा अच्छा स्टडीज मिलेगा, तो कोई वॉइस पे केवल अच्छे स्टडीज अच्छे भैया लोग का कॉन्टेक्ट और अच्छा प्रसाद अच्छा एकोमोडेशन के लिए आया, तो खराब ही अच्छा है इन वर्ष ठीक ही है कोई खराब नहीं, लेकिन कोई उसी में फंसा रहे उससे ऊपर नहीं उठे, और वो जो वॉइस पे तो आपको माइंड को कंट्रोल करने का चीज बताएगा, आप भगवान को प्राप्त करें वो उसको नहीं सीखे तो क्या बोलेगा उसको, चार साल में भी नहीं सीखा तो पुलिस मतलब कब इंटेल समझ रहे, वाई बिकॉज इतना अटैच्ड है वो कि नहीं समझ पा समझ रहे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर यू नो कर्मकांडी, 20 साल से रोज मंदिर आएंगे रोज रोज एक आरती करेंगे 10 मिनट उसका 5 रुपया डालेंगे डोनेशन चले, बट दे आर नॉट ग्रोइंग इन देयर कॉन्शियसनेस,
because they are not having sadhu sang. Nobody is teaching them. So Gita ko clear Bhagwan bata rahe. Samajh rahe? Man of small knowledge. Kya bata? Man of small knowledge are very much attached to flowery words of the Veda, which recommend various fruitive activities for swarga, swarga jaane ke liye, elevation to heavenly planet. अच्छे जन्म के लिए रिजल्टेड गुड वर्क पावर एंड सो फॉर बीइंग डिजायरस ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और ऑपुलेंट लाइफ दे से दैट दे नथिंग मोर देन दिस पीपल इन जनरल आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल इन जनरल आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड ड्यू टू देयर इग्नोरेंस दे आर मोर अटैच्ड टू फ्रूटिव एक्टिविटीज रिकमेंडेड कर्म कांड पोर्शन ऑफ वेदा तो लोगों को ज्यादा भौतिक चीज अच्छी लगती है तो किसका ड्यूटी है वो लोग हेल्प करने का साधु Sadhu should not also be attached to metal things. They should have attached to spiritual things. It is their duty to teach them. So most of the people do not want anything more than self-gratificant proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available, and metal opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to heavenly planets, especially the Jyotish Tomb sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planet must perform these sacrifices. And man with poor fund of knowledge thinks that this is the whole purpose of education. It is very difficult for such inexperienced person to be situated in the determined action of Krishna cause. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attempts. Unlighted men are similarly attended by such heavenly opulence and the essence is enjoyable. So, kiska kartavya to help karega? साधु क्लास जी समझा जी भाई बेटर जी आपको हैप्पीनेस नहीं देगी अरे इंद्र स्वर्ग में बैठा फिर भी उसका इच्छा पूरा नहीं तो अहल्या के पीछे मारता है समझ रहे वो किंगडम के लिए झगड़ा करते रहता है वहां पर भी हिरण का सुअर अटैक कर देता है मतलब इन हेवन बहुत सा सुख है वहां पर भी बहुत तो 2.43-43 भगवान बता रहे कि बहुत ही जो बता सकते हो 44 में बता रहे हो आसक्त रहोगे तो फिर वो कैसे पता है तब तक आपको आध्यात्मिक की रुचि नहीं आई फिर उसके बाद भगवान 62-63 में फिर वही चीज बता रहे ध्याय दो विस्यात भूख सर अगर भगवान में मन नहीं लगाओगे तो बहुत ही चीज तुम्हें क्या करेगी ध्याय दो विस्यात भूख सर ए अबे क्या कर रहा है सही से कड़ी बैठा है पढ़ता हूँ सिस्टर डी सो ध्याय तो विषयान भूख से भगवान बोल रहे अगर तुम भगवान के मन नहीं लगाओगे भौतिक जीव मन लगाओगे तो क्या होगा भौतिक जीव में ध्यान लगाओगे तो आपको उसके प्रति अटैचमेंट हो जाएगा वो चाहिए और चाहिए ध्याय तो विषयान भूख से संदस्ते सुख जाए और चाहिए सरकार से जाए तो काम फिर आप उसके लिए पागल हो जाओ गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए गाड़ी और फिर क्या होगा अगर आपको मिल गया गाड़ी बहुत मेहनत करोगे गाड़ी मिलेगा समझ रहे तब आपको लोभ आ जाएगा और कभी ना कभी तो आप जो चाहोगे नहीं मिलेगा समझ रहे तो भगवान ब्रीफ में कंप्रेस कर रहे कि ध्याय तो विषयात भूख से संघर्ष से सुख है सदा सज जाए थे काम कामात को डूब जाए काम ही एवेंचुअली टू ग्रो बिकॉज कितना भी डिजायर आपका हो फुलफिल जितना होता है बढ़ते जाएगा एक समय आप आपका एंडेवर्स आपके डिजायर को मैच नहीं करता तब क्या आएगा क्रोध तो शुरू में आ गया सब क्रोध आएगा समझ रहे क्रोध बहुत ही संभव फिर क्रोध जब आता तो आती है बुद्धि तुम्हारे तब भगवान स्मृति भिमसा और फिर उसकी बुद्धि काम करना बंद कर स्मृति भिमसा बुद्धि ना सा बुद्धि आना पड़ सकता तो भगवान बता रहे देखो साइंस बता रहे कैसे सेंस ग्रेटिफिकेट डिजायर विल लीड टू फॉल डाउन डिग्रेडेशन टू एनिमल स्पीसी पूर्वा का एग्जाम्पल देखिए इतना बड़ा राजा तो उर्वशी से आकर्षित हुआ तो हरि बोलो किसी को भी देखिए जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से आसक्त हुआ है उसका हरि बोलो जो भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से आसक्त हुआ उसका क्या हुआ है हरि बोलो तो भगवान हर चैप्टर आफ्टर चैप्टर यही चीज बता रहे समझ रहे थर्ड चैप्टर में भी फोर्थ चैप्टर में भी फिफ्थ चैप्टर में भी सिक्स चैप्टर में भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन लेवल लीड टू चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा बता सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने वाले डीमंस होते हैं कौन होते वो असुर असुर का क्या स्वभाव होता है दे वांट सो मच ऑफ डिजायर पूरा पूरा कैटेगराइजेशन सो
groups of people when they go to temple, the sadhu's duty to also encourage them in self gratification and simultaneously discourage them. What is sadhu's duty? To simultaneously encourage them and also discourage them. समझ रहे? What do you mean by this? साधु का कर्तव्य उसको भौतिक इच्छाओं को पूरे करने में इंकरेज भी करें और डिस्करेज भी, क्या मतलब है? डायरेक्ट डिस्करेज करेंगे तो फिर वो भाग जाएगा अपने। हाँ, तो इंकरेज और डिस्करेज मतलब? बैलेंस मतलब उसको उतना ही मतलब दे कि वो और ज्यादा उसमें लस्ट ना मतलब आए और स्पिरिचुअली भी थोड़ा उसको नॉलेज देते रहे। यस, सो बेसिकली व्हाट टू साधु जो जैसे हाँ मिल जाएगा जब कीजिए, क्या बोलते हैं उसको? So they add Krishna consciousness as a seed to fulfill their material desire. समझ रहे? तो अच्छे साधु क्या बोले? ठीक है, देखते हैं बहुत ज्यादा अटैच्ड है तो एकदम पूरा डिटैच टाइप का मतलब सिंपल हार्टेड तो उसको डिटैच क्लास दे देंगे, छोड़ो तो बेकार। समझ रहे? If he is ripe to take the instruction, he may directly tell you both. सब चीज गुलाब नहीं, लेकिन देखेगा उतना राइप नहीं तो बोले हाँ हो जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। समझ रहे? चैंटिंग करने देखिए, समझ रहे? आपकी जो इच्छा होती है पूरी हो जाती है। समझ रहे? भगवान का सेल्टर है सब इच्छा पूरी, भगवान के हाथ में सब कंट्रोल है। समझ रहे? भगवान ही सब कुछ देते हैं, तो कोई गर्भवती स्त्री है उसको बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है आपको बच्चा हो जाएगा जब कीजिए, हो जाता है तो उसको चैंटिंग दे दे और साथ ही साथ कर देना चाहिए तो उपाधि का बुक दे दीजिए। समझ रहे? जैसे दीदी को क्या किया, दीदी का इच्छा था इंद्र को मारने का, ऐसा बच्चा पैदा करेगा जो इंद्र को, तो कश्यप जी बोले हाँ हो जाएगा पॉसिबल है, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उपसान मत करना पड़ेगा, उसको सुबह उठना पड़ेगा, सुबह स्नान लेना पड़ेगा ठंडे पानी से, आपको एकदम साफ रहना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, आपको 6 महीना बेसिकली डिवोशनल सर्विस करना है बेसिकली। समझ रहे? सात्विक आहार खाना है, मतलब तो उसको 6 महीना कैच में लगा दिया, और 6 महीना डिवोशनल सर्विस करने के बाद उसका मन से भौतिक इच्छाई खत्म हो गई, इंद्र को मारने का इच्छाई। तो सम टाइम साधु शुड इनकरेज एंड डिस्करेज, समझ रहे? तो दैट्स व्हाई साधु रोल इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको देखना पड़ता है किसको इनकरेज करना है, किसको डिस्करेज करना है, किसको किस तरह से इनकरेज करना है। समझ रहे? तो व्हाट टू साधु जो दिस गिव दिस बच्चा को दवाई देना होता है और लड्डू से आ सकते तो डायरेक्ट दवाई खाएगा नहीं, तो क्या करते हैं? जो बड़े होते हैं उनको डायरेक्ट दवाई मिल जाती है, लेकिन जो बड़े नहीं होते वो दवाई के नाम से भाग जाएगा, तो उनको लड्डू के अंदर तो लड्डू के बहाने दवाई खाना। इसीलिए प्रभुपाद ने कितने स्ट्रेटेजिकली पूरे वर्ल्ड भर में भगवान को ऐड किया, समझ रहे? तो कौन इंटरेस्टेड था भगवान? सब जाते थे बस लड्डू लाने के, सब क्या थे मंदिरों में, एक्चुअली मंदिर में ज्ञान था पहले, लेकिन धीरे धीरे कल्चर स्मॉल हो गया था। पहले मंदिरों में क्लास होता था गीता भागवत साधु जो साधु रहते थे, अब धीरे धीरे स्पॉइल हो गया था, तो बात है फिर से वो कल्चर आज के बाद मंदिर में रोज साधु अच्छे साधु होते हैं, समझ रहे? तो उनको देख के लोगों फेथ आता है, जैसे सनातन गोस्वामी बैठ के जप कर रहे थे, शिव जी ने किसको भेजा? एक ब्राह्मण का बेटी का शादी करवाना था, तो वो बेचारा बहुत परेशान था, पैसा नहीं था, मतलब पैसे के लिए तो सिर्फ सनातन बाबा के पास भी था, चला गया सनातन गोस्वामी बैठे जब करें और बोले मैं पैसा दे, बोले पारस मणि रखा हुआ है 10 रुपये पे ले लो। बोले क्या कहाँ रखा हुआ है? मेरा सच में जो काम कर रहा है। सो ही फुलफिल्ड हिज मटेरियल डिजायर, बट देन दैट पर्सन थॉट कि अरे इसके पास पारस मणि है बेटा, तो भिखारी जैसे क्यों रह रहा है? तो
दूसरों को बढ़िया गेस्ट हाउस देंगे, आपने सिंपल रह रखे। आप तो बढ़िया कम्बल पहन सकते हैं, साड़ी लाखों का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन आप एकदम सिंपल कपड़ा पहनते हैं, आप एकदम सिंपल रहते हैं, आप सबको छप्पन भोग खिला रहे, आप सबसे सिंपल ही खा रहे। तो फिर साधु का व्यवहार से बहुत बिजी होता है, जैसे बिजी होता है तो भोपाल जी इतने सुंदर तरीके से घर घर में गीता इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए देवहूति या कन्वर्सेशन में देवहूति कितने एक मेटलिस्ट के रूप में गई है कि मैं सेंसेस के द्वारा डिस्टर्ब हो गया, मुझे हेल्प तो सिखाया। देखो सेंस ग्रेटिफिकेशन विल लीड टू फर्दर एंटैंगलमेंट एंड मोर मिजरी, सो गिव इट अप। सो व्हाट शल आई डू देन? सेंस ग्रेटिफिकेशन मिजरी देखा, मेटलिस्ट मिजरी देखा, करूँ क्या? हाँ, आप भगवान की सेवा कीजिए। आप काम को किसमें मन लगाइए? भगवान, स्पिरिचुअल चीजों में अपना अटेंशन दीजिए। रिमेंबर आगो नंबर श्लोक पढ़ रहे थे, देवहूति उवाच 3.25.7। तो बोल रही है मैं सेंसेस से डिस्टर्ब हूँ, तो आएंगे लोग ऐसा बोलते हुए, समझ रहे? या कुछ लोग डिस्टर्ब नहीं, वो बस बहुत ही इच्छा पूरी करके आएंगे। सो देन ऑल्सो वी शुड इंटेलिजेंटली स्लोली स्लोली एलिवेट देम। और बोले तो देवती बोले आप ही मेरे आंखों की मैं भी हूँ, भौतिक चीजों में साधु रखी हूँ, मेरे को आप सच चक्षु दे, मेरे को ज्ञान दे। तो साधु के पास इसलिए जाना चाहिए, समझ रहे? अब उन्होंने क्या चालू किया, अपना ज्ञान चालू किया, समझ रहे हैं? योग आध्यात्मिक पुंसा 3.25.30। देवहूति को शिक्षा भी पहली शिक्षा दे रहे हैं। योगो आध्यात्मिक पुंसा, योगो आध्यात्मिक पुंसा, मतो निस्सेह निस्सेहयाते, आद्यन्तो पतरी यत्र, आद्यन्तो पतरी यत्र, सुखस्य च सुखस्य च, सुखस्य च सुखस्य च। मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूँ जो आदि ज्ञान है, योग आध्यात्मिक पुंसा जो भगवान ने दिया है, इससे आप पूर्ण रूप से सुख और दुख दोनों से क्या हो जाएगी, अनासक्त हो जाएगी। श्रेय है इससे आपको, श्रेय मतलब बेस्ट, व्हाट इज अल्टीमेट, प्रेय इज इमीडिएट बेनिफिट, श्रेय इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। निश्रेय द टॉप मोस्ट बेनिफिट आपको मिल जाएगा, व्हाट इज द टॉप मोस्ट बेनिफिट, कंप्लीट हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस। तो बोले इसको सुनिए, हाँ तो बता रहे पंद्रह में, चेतक खलु अस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो बतम, समझ रहे? तो चेतना जो है जब भगवान पे हम लगाते हैं तो मुक्ति मुक्ति देगी, क्या देगी? चेतक खलु अस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो बतम, समझ रहे? गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा उपसी मुक्तये। और अगर तीन गुणों भौतिक चीजों में आप बल लगाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, बंधन में। सिंपल फॉर्मूला, मेटेरियल थिंग्स इफ यू पुट योर कॉन्शियसनेस यू विल बिकम मिजरेबल, इफ यू पुट कॉन्शियसनेस इन स्पिरिचुअल थिंग सर्विंग लॉर्ड यू विल बी हैप्पी। तो बोले कैसे बेटे चीजों में आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, बोले काम आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, हाँ पबेती मेरा है उसका है, बेकार आदमी क्या हो जाता है, बन जाता है। तो हमें भगवान पे अपना बल लगाना चाहिए। तो कब हम लोग भौतिक चीजों से मन हमारा हटेगा, तो जिसमें बता रहे हैं, न युद्ध बाद या भक्तिया अभिपति अखिलास बढ़
सतीसो अस्थि शिवा पंथा योग ब्रह्म। तो जो लोग भौतिक जीवन सबका मन हटाना चाहते हैं, मान लो किसी को बहुत आसक्ति है सेक्स करने में, उस आसक्ति खत्म भी नहीं होता कितना भी छूटता है, तो भगवान की सेवा करें अपने आप खत्म। 20 years I was confused whether having lusty desire is good or bad, समझ में दिया, समझ रहे, करो तो फंसो नहीं करो तो फंसो, समझ। लेकिन जब भगवान का ध्यान करने लगा उसका क्वेश्चन क्या है, तो भगवान को जब भगवान का आग बंद करके ध्यान करने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं लस्ट डिजायर हो गया, समझ रहे। तो भगवान को स्मरण करके भगवान की सेवा छोड़ के और कोई तरीका नहीं है कि आप मटेरियल डिजायर से बाहर, क्योंकि सोल बाय नेचर इज लव सीकिंग, प्लेजर सीकिंग। सो इफ यू डोंट गिव इट स्पिरिचुअल प्लेजर विच इज नेचुरल फॉर हर सोल, देन यू लुक द मटेरियल प्लेजर। अब वो बोल रहे बस अंगम अजरम पासम, तो जो आदमी भौतिक जो आसक्त हो जाता है वो बंध जाता है पासों में, बंधनों में, और जो आदमी भगवान में आसक्त होता है साधु में आसक्त होता है, समझ रहे, जो हमारी आसक्ति साधु में आसक्त होती है तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो साधु क्या क्या लक्षण थे कल हमने चर्चा किया था, क्या क्या थे, तिदिक शुभ कारुणिका सुहृद सर्वभूताड़ा अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, और क्या था, वही अनन्य भावेण भक्ति कित कुर्वती ये दृढ़ा मत किते तक्त करवारस तक्त सजर। तो मेरे भी मन लगाता है मेरे सेवा के लिए अपना जितना कार्य है अपने बंधुओं को भी, इसका क्या मतलब कि घर बार छोड़ देना चाहिए, इसका ये मतलब घर बार छोड़ देना, इसका मतलब आपके कार्यों को अपने कार्यों को दूसरा कौशल बना लीजिए, मतलब अपने पेरेंट्स को अपने रिलेटिव को ड्यूटी बना ली, समझ रहे। लेकिन वो लोग बनाने के बाद नहीं बन रहे तो फिर हरेंगे। तो मेरा एक फ्रेंड था, मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था क्लास 10th में लाइफ, तो मैं जब BFU आ गया तो मेरा फिर भक्ति आ गया मेरे को, तो आई थॉट आई विल मेक हिम डिवोटी, आई विल मेक हिम, तो उसको घंटों घंटों प्रयास किया, लेकिन बोलेगा ठीक है लेगा रे वो सुनेगा फिर वो, समझ रहे बटिया देगा। तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया रे, मेरा बेस्ट फ्रेंड ले नहीं रहा, समझ रहे, ये 20-25 घंटा बिताने के बाद सोचा 10 बार ट्राई करेंगे अपना ही भक्ति करो भाई, समझ रहे। तो वी शुड नॉट हैव, वी डोंट हैव टू लीव फ्रेंड्स, बट इफ फ्रेंड्स आर नॉट इतना कॉन्शियस देन वी हैव टू, वी डोंट हैव टू लीव पेरेंट्स, ट्राई टू मेक, बट स्टिल वो लोग बोलेंगे हम जब नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्याज लहसुन ही खाएंगे, हम भी प्याज लहसुन खाएंगे, बिल्कुल कहाँ रोल, समझ रहे। इस सेंस में बोला गया तक्त सर्व तक्त सजन बंध हुआ मद आश्रय कथा मिष्ट, मेरी कथाओं का क्या करते हैं आश्रय लेते हैं सुनते हैं, उससे उनको तीन ताप का फीलिंग रही आता है। तो हे माँ ऐसे साधुओं का आप संग कीजिए, भौतिक जो से आप अनासक्त हो जाएंगी, समझ रहे, और आप ये संग का दोष है, भौतिक आसक्तियों का संग का दोष जो है क्या दोष है, ध्याय तो विषयान रूप से संगस्ते सुते संगास जाए थे कामान को भी जाए थे, तो आपके जो फ्रस्ट्रेशन होने वाला मिजरेबल बनने वाला उससे आप बाहर। कुछ लोग दारू पीने का हैबिट लग जाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो साधु के पास आते हैं हम लोग, बहुत लोग देखा गया है अमेरिका में भी, जितने भी बैड हैबिट्स के एसोसिएशन होते हैं जो लोग निकलना चाहते हैं, तो एवरीवेयर दे हैव टू टेक शेल्टर ऑफ गॉड, समझ रहे हैं, उसके बिना होता नहीं, दे अंडरस्टैंड कि गॉड का शेल्टर लेने से ही। मेरे पिताजी कोई बैड हैबिट्स में थे, मतलब इंटॉक्सिकेशन का, नहीं जब भी कोई धाम उप जाएंगे तो छोड़ दें, मतलब भगवान का भक्ति में शक्ति है
गांधी छोड़ दे, ऐसा लाखों लोग कानून क्योंकि दाम नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन तो पोल बम गए कहीं गए भक्ति डेविकॉन कम अच्छे से कर रहे हैं तो एक एनर्जी मिलती है, समझ रहे कि नहीं। और भक्तों के संग में कथा सुनने का ज्यादा सदाम प्रसंगा गंभीर समझे भवंति हितकर्ण रसायना कथा। कृष्णा भक्ति को संग में गोपाल जी बोलते हैं इम्पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड गॉड इज अ पर्सन बट पर्सनली अंडरस्टैंड गॉड इज अ। तो जब भक्तों के संग में भक्ति करते अब डीडी जैसे अकल आदित्य को बताया था, तो जब भक्तों से भक्ति करते सेवा करते लगता है भगवान आदान प्रदान। मुझे बताया थे कैसे उनका उन्होंने ऐसे सेवा तो करना ही चाहते क्योंकि उसे निकल गया नहीं। जब भगवान जगन्नाथ जी उधर से इधर आएंगे गोविंदास जी ने तब हम बस बोलने के लिए निकल गया है आउट ऑफ लव फॉर लॉर्ड के आई वॉन्ट टू सर्व लॉर्ड, समझ रहे। और उधर प्रसाद बन रहा है इधर प्रसाद बने जाता हम चल लिटरली मीन इट जस्ट। और उसके बाद इनका डीडी वसीम 30 तारीख को पड़ा 30 दिसंबर को, समझ। एंड इनको प्लान करके नहीं पड़ा और उसी के लास्ट दिन उसी दिन पहले डिनर चालू हो गया, समझ रहे। पहला ब्रेकफास्ट 30 तारीख को ही बना और उसी दिन 30 तारीख को सुबह जगन्नाथ जी उधर से इधर डीडी वसीम कर ही रहे थे जगन्नाथ जी रुको। सो द इफ समबडी से ये कोइंसिडेंस ऐसे आप लोग भावुक आप लोग क्या है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है मैं भावुक हो सकता हूँ, ये भावुक हो सकता है, सब लोग खुद भावुक एंड एवरी डिवोटी विल हैव सच। जो भी थोड़ा बहुत अच्छा भक्ति करा है क्लियर, स्पेशली जब सेवा करते हैं रथ यात्रा में जाते हैं जब सेवा में व्यस्त रहते तब तो एकदम डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, समझ रहे कि भगवान एकदम आदान प्रदान। रुपेश को बताया था उधर तो जी रथ यात्रा वो लोग सोचे करने का अपने आप ही परमिशन मिलने लगा, ये मिला कंपनी के अंदर यूजली परमिशन का बहुत झमेला होता है और सब लोग रोक भी आ गया, मतलब सुबह 11 में सोचे और शाम तक पूरा बढ़िया रथ यात्रा होगा नहीं। जैसे जैसा माधवेंदपुरी जस्ट पार्ट ऑफ सर्विंग लॉर्ड गोपाल और तुरंत पूरा गोपाल जी का पूरा फेस्टिवल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, समझ रहे। जस्ट बाय डिजायरिंग आप रात को सोते नहीं है क्या, वन टाइम स्लीप प्लेस उसमें कोई सोए और वहीं पर पढ़ाई करो तो नींद आएगी और कोई झाड़ू पोछा मार दो देखो तुरंत जैसे घुटने के साथ बेडिंग फोल्ड जैसे आप नहाने जा रहे हो तो का बेडिंग मैंने कहा वहीं से पढ़ाई रहती क्लीनिंग के समय फोल्ड निकाल जाए क्या तरीका समझ रहे। घुटने के साथ आप जा रहे फटाक से फोल्ड करके अब बढ़िया से फोल्ड करें प्रॉपर और उसको तो बेडिंग पढ़ा ही रहता वो उड़ गया मंगला आरती चला गया और उसका बेडिंग ये तब वो गोली कर क्या रुपये तुम हाथ क्या सारा नाथ सब तमोगुणी कर समझ रहे नाखून खाओ समझ रहे। तो क्या करना चाहिए छोटे के साथ बेटी को छोड़ देना चाहिए वो तमोगुण पूरा रूपे स्प्रेड करते रहता है एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ आवर बेटिंग समझ रहे जब उनको आने के लिए जाना है तो बड़ा तुम फोल्ड कर दी प्रॉपरली। तो भाई मैं देखा वो तो उनका बेटिंग पड़ा है लास्ट में जब माइंड अप होगा उस समय बंद कर इग्नोरेंस तुरंत हटाना चाहिए जो भी है क्या बताया अगर को गेट थ्रू इसका डिस्कशन। तो भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत इंडिविजुअली भक्ति करेगा नहीं तो जो अभी को है नींद आ जाएगा अपना मन से इमेजिन करेगा कि एडवांस करेगा आदमी इमेजिन करेगा मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे। ये भक्तों के संग में रहेंगे तो बहुत प्यूरिफिकेशन मिलता है खासकर गुरु जी के संग में रहेगा तो बहुत प्यूरिफिकेशन हो भी ठीक आपको उधर आगे चले जाते इधर
अरे उल्टी इसका सुकुमार उल्टा देगा ना। समझ रहे नहीं तो फिर से शरीर लेना पड़ेगा, फिर से वॉमिटिंग होगा, और वॉमिटिंग नहीं होगा तो मोटा हो जाएगा, तो उसका अलग प्रॉब्लम, मोटा रहेगा तो अलग प्रॉब्लम, जो होगा प्रॉब्लम। समझ रहे तो भक्तों के संग में भक्ति करना इंडिविजुअली करने से बहुत बार डोंट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवान, एक पर्सन है इसका रियलाइज से ज्यादा भक्तों के संग में होता है। और भक्तों के संग में अच्छे से आप जब हियरिंग चैटिंग करेंगे तो जात विराग आपको भौतिक जीव से क्या हो जाएगी, व्यक्ति होता है। इसलिए बोल रहे हैं आप भक्ति कीजिए जो सबसे अच्छा प्रोसेस है, इससे आपको भगवान की, तो हम लोग इस श्लोक पे आए थे कल 28 नंबर पे, देहुति उवाच देहुति उवाच काचित्त्वयि उचिता भक्ति काचित्त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अद्य सा अन्वसाद्भवाम्। तो बोलते देवती पूछ रही है कि मेरे को कौन सी भक्ति करनी है बता दीजिए जिससे भगवान को शीघ्र प्राप्त कर दूं। केचित वही उचित आप है, कौन सी मेरे लिए उचित, कौन सी उचित भक्ति होगी। इसलिए गुरु से पूछ रहा है जाके कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस आई शुड परफॉर्म। बाबा जी भरपट में लिखते हैं, इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता, पढ़ो लिखिल जो से No one is bad from rendering service to the. कौन बैड है? Is anybody bad? हाँ? गोपाल जी मैं इतना ब्राह्मण थी उसलिए मैं भगवान की सेवा। गोपाल बोले No one is bad from the service of the. लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण लोग क्या सिखाते थे, हाँ भगवान का सेवा सिखाते कि नहीं, बहुत सारे कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते। अरे No one is bad from the service of the. He has to only qualify himself. Nobody is bad from giving IIT exam. He has to only qualify. Nobody is bad from becoming Prime Minister. He has to become qualified. So, in the Bhagavad Gita, Lord is saying that no one is bad or bad from. कौन सा श्लोक में बोल रहे हैं? No one is bad from service to the Lord. The 9.32.1 बोल रहे हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र जो भी हो सब लोग मेरी भक्ति Whether one is a woman, or a laborer, or a merchant, he engages himself in the devotional service Lord, he is promoted to the highest perfection stage and goes back home, back to the devotional service most suitable for different types of devotees is determined and fixed by the mercy of the So, kisko kaun si bhakti karni hai? Kaun decide karenge? Because uska kya level hai? Uske hisab se unko jaise mere ko जो स्पिरिचुअल ईसा गुरु थे फिर को बोले कि 16 माह ज्यादा नहीं करेंगे, तो 16 माह ज्यादा फिर मैं माला करेंगे बहुत टेस्ट का, तो माला कर लेकिन सेवा भाव उतना तो लगता है माला करता है माला करता है सेवा भाव। तो मेरे को पर्सनली पूछ ने बोला तुम 16 से ज्यादा नहीं करेंगे, बाकी सब तू सेवा करो, कुछ फिर प्रैक्टिकल सेवा करो, क्लीनिंग करो, ये करो। और मेरे एक बंधु थे विश्वामित्र बाबू, उनको उन्होंने वही चीज बोला, उल्टा बोला कि तू 20 माला करेगा और वो दिन भर सेवा करते थे, उनका नाम हनुमान जी पड़ गया था। समझ रहे, रात को 11-12 बजे तक पंचरी करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो लोग सोए के लिए हाइपर एक्टिव और जपा पे बुरा अलार्म लगाते 2:30 बजे का और 4:20 तक उठते नहीं थे। समझ रहे, 2:30 बजे सेवा करता है, पौनी को जब करता है, ऐसा बोलेगी जबरदस्त और 2:30 बजे का अलार्म लगा देंगे, पूरा वॉइस उठ जाएगा, वो नहीं उठेगी, फिर 4:20 को उनको उठाया जाएगा जबरदस्ती। समझ रहे, फिर किस बार 4:30 वो आएंगे। समझ रहे, और उसके बाद जपा में पूरा हरी बोल,
एक बात का मैं ऐसा सर से सब वैसे लगता बसी लगा स्प्रे कैसे धीरे धीरे हम लोग उनको हिला हिलाए पूरी उठी उठी है बहुत दिन उठ के नियम बनाया तो बैठ के जब नहीं करेगा चल के जब करेगा और 20 वाला जब करेगा और कोई सर्विस मतलब तुम सर्विस ज्यादा नहीं करेगा बोले कोई आप थोड़ा उल्टा इंस्ट्रक्शन दे इनको सर्विस पसंद है करने दीजिए आपको जब पसंद है जब करें बोले नहीं तो वह सिर्फ जब करना चाहता सेवा करना होता है सेवा करना लिखता उतना बढ़िया से भाव और वो सेवा बहुत बार क्या होता है हाइपर एक्टिव हो जाता है यू वांट टू जस्ट टू सर्विस क्योंकि आपको टेम फेम मिलता है अफेक्शन मिलता है मतलब बट दैट सर्विस दे नॉट कम्प्लीटली फ्री फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड ग्यारह बजे सेवा करता हूँ क्या समझ रहे हैं भगवान का प्लेजर के लिए करता हूँ तो कल कोई 20 घंटे स्टडी हो जो भी हो छोड़ेगा तो रोज उसके लिए क्या किया तुमको जब करो अच्छा भागवत पढ़ दिया करो तो रोज ग्यारह बजे सेवा कर अपने सेवा खोजते रहियो रात को क्या अब मेरे को एक फ्रीडी कॉम्प्लेक्स हो जाता कि मैं वॉइस में सबसे कम सेवा करता हूँ क्या समझ रहे हैं लोग ग्यारह बजे तक कपा मारे मतलब सेवा कर रहे हैं और इधर मैं तो कुछ नहीं करता तो बोली मैं 9 बजे सो जाता हूँ मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा मेरे को लेट सोना चाहिए सेवा करते मतलब नहीं 9 बजे सो वही अच्
to do any active contribution to the mission. Please go ahead. Hari Bol. तो गुरु जी को बहुत एक्टिव होना पड़ता है, किसको एक्टिव होना पड़ता है बजरे, नहीं तो फिर क्या डिसाइबल का उतना ग्रोथ नहीं होगा। तो हमारे शिक्षक गुरु बहुत एक्टिव थे, सबको बारे में पता था क्या चल रहा है नहीं चल रहा। तो जो भी है तो इसीलिए उन्होंने एकदम उसके लिए अलग कॉन्ट्रेडी इंटरेस्ट पटेल सोलह वाला ही किया तो बाकी सेवा को उसका सेवा को बहुत डेवलप नहीं तो फिर क्या हो सकता है सहजिया टाइप आप हो जाए जब करेंगे मतलब प्रैक्टिकल में सेवा आएगा किसी और करने को बोल रहे। तो दैट्स व्हाई द व्हाट इज आवर प्रैक्टिकल डॉक्टर बहुत सारे रोग है लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके आपके लिए क्या मेडिसिन दोनों को सर्दी है दोनों को अलग अलग मेडिसिन मिलता है उसका बॉडी का नेचर अलग है उसका बॉडी का नेचर नेक्स्ट यो योगो भगवत बाणो निर्वणात्मस्त योगित निर्वणात्मस्त मोबाइल दे दिया फिर भी तो मेरा ना देख रहा है आप तो पासवर्ड नहीं पता पूछो नहीं पता है तो कैसा डेड आदमी है अगर उनको जो भी है समझ रहे हैं मोबाइल करके क्या फायदा हो समझ रहे पासवर्ड पता है जितने भी तो यो योगो भगवती भगवत बाणो निर्वण आत्मनस द्वयोदित समझ रहे कीदृशी कति च अंगाणी यत तत्व अवबोधनम A mystic yoga system, as you have explained, aims at the supreme personal God and is meant for completely 29 sukha. A mystic yoga system, as you have explained, aims at the supreme personal God and
and is meant for completely ending material. Let me know the nature of that yoga system. How many ways are there by which one can understand through that sublime? तो भक्ति योग हमारी पूछी थी कैसे भगवान को प्राप्त करना है, तो कंक्लूजन निकला भक्ति योग, तो अब डिटेल पूछ रही है। ठीक है, भक्ति योग जिसके द्वारा भगवान, बाण मतलब एरो, तो भगवत बाण मतलब जिसका एम क्या है, तो हमारा भक्ति का प्रोसेस का एम क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो मिस्टिक योग एक्सप्लेन एम्स एट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड इज मेड फॉर कंप्लीटली एंडिंग मटेरियल। किस लिए हम लोग योग कर रहे हैं, किसने भक्ति करे, बाकी चीजों से छोड़ दे के लिए, तो उसके बारे में तो और डिटेल में बताए। तो अभी उन्होंने भक्ति बताया ना, भक्तों आसन करो, भक्तों आसन करो, भक्तों आसन करो, बहुत ही आसक्ति छूट जाएगी। तो क्वेश्चन में तो और डिटेल में बताए मैं क्या भक्ति करूँ, अथवा डिटेल में बताए। तदे तब में भी जानी ही यथाहम बद्धधीरे सुख बुद्धे यव दुर्बोध यो साभवत अनुग्रह। तो माय डियर सन कपिल, आफ्टर ऑल आई एम अ वुमन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ बिकॉज माय इंटेलिजेंस इज नॉट वेरी ग्रेट, बट इफ यू विल काइंडली एक्सप्लेन इट टू मी, even though I am not very intelligent, I can understand it and thereby feel transcendental happiness. तो बोले मैं योषित हूँ, मैं स्त्री हूँ, हम लोग की बुद्धि कम होती है, लेकिन भगवत अनुग्रह आप कृपा करेंगे तो even if somebody is not very intelligent, but if spiritual master खुश कर देते हैं, तो spiritual master में ability होती है उनको सिखाना। Knowledge of the absolute truth is not very easily understood by ordinary less intelligent men. But if the spiritual master is kind enough to a disciple, however unintelligent disciple may be, then by the divine grace of the spiritual master, everything is revealed. Guru ki kripa se, jaise megari, unko jyada understanding, lekin Narad ki kripa se unko samajhte. So sometime, even if you are very attached, but spiritual master को attachment के through बहुत attached है, class सुनना नहीं चाहते, और उनको भी उन्होंने क्या किया धीरे-धीरे करके वक्त बना। तो एक हमने story सुना था, एक बार एक चोर रहता है, क्या रहता है? तो चोर चोरी करते रहता है, डकैती करता है, मांस खाता सब करता है। तो एक बार वो एक वैष्णव साधु का प्रवचन सुनता है, बहुत अच्छा लगता है। दिलों का लाइफ कितना अच्छा है, हम लोग हमेशा दूसरों का, हम लोग जीवन ही दूसरों को दुख दे रहे हैं, चोरी करना मतलब, और ऑलवेज कॉल्स हाउ टू हार्म अदर एंड दिस पीपल कॉल्स ऑलवेज हाउ टू हेल्प अदर, सो इज द सर्वदेहिण, जो सबके मित्र है। तो उसके मन में इच्छा, क्या मैं भी सबका मित्र बन सकूं, कब मैं भी भक्त बनूंगा। तो उनको इतना अच्छा लगा परमेश्वर साहब, उसका त्याग प्रणाम की, मैं भी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं भी भक्त बना, आप कौन बोल के चोर घबरा गए, भाई चोर है, ये सब इतना पाप है, कैसे इसको भक्त बनाए, दीक्षा मांग रहे डेरे बोल, लेकिन आपको दीक्षा के लिए सब नियम पालन करना पड़ेगा, समझ रहे, आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, तो मैं कैसे दीक्षा दूं आपको, बोले क्या क्या करना पड़ेगा, बोले आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना, बहुत सारी चीज, लेकिन मेरे को इतनी दीक्षा दे जितना तो हम तो पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बोले इतना दारू छोड़ दो, दारू तो इतना टेंशन होता है, बिना दारू के नहीं हो पाएगा, कैसे करके बोले एक चीज तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ो, बोले ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्या नहीं बोलूंगा, तो उनका सिंसियरिटी देखे थी, दीक्षा माला वाला करने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, ज्ञान पढ़ने लगा, एंड गुरु को समझित था, तो उसके मन में धीरे धीरे विराग आने लगा, तो क्या ऐसा मैं क्या पैसा सर बेकार है, एक के बारे में था पैसा कमा के दिन तक गुरु जी के आश्रम में ज्वाइन कर जाएंगे, तो ऐसा हाथ मानेंगे एक के बारे में 10-20 लाख रुपए उठा के फिर सेटल कर जाएंगे। तो गुरु जी के पास सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, तो सोचा गाजा घर में चोरी करते, गाय चोरी करते,
एक ही बार में राजा को चोरी के लिए मतलब करोड़पति रात को गया और क्या किया, राजा का मन भी रात को 2 बजे चोरी करने लगा। जब 12:30 एक बजे चोरी कर रहा था तब उसका राजा भी स्मार्ट होता, राजा कोई आवाज से समझ गया कोई तो किस कौन है भागने वाला था। उसको याद आ गया गुरु जी से क्या वादा किया था, चोर नहीं बोला, राजा चुपचाप आ गया वहां चोर बने और प्रेम से पूछा और झूठ तो बोल नहीं सकता गुरु जी, चोर देखिए तू कौन, मैं भी चोर अच्छा, लेकिन अभी पहले मैं हाथ मारा तो मेरा होगा ये ठीक। बहुत देर ट्राई किया 10 मिनट खुला नहीं राजा को पता लगा, तो राजा बोला देखो मैं ट्राई मारू क्या, मैं 50-50 अभी तो 100 मेरा था तेरा ठीक। तो खोल दिया राजा 2 मिनट में 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड। तो राजा तब तक उसे पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, तो बता दिया यहाँ रहते हैं ऐसा ऐसा सब बता दी सही। अब फिर अगले हल्ला हो गया कि चोरी हो गया। उसके बाद फिर मिनिस्टर बोला राज चोरी हो गया। कुछ बचा? रात को क्या होता है, एक हीरा बच गया था बड़ा, तो चूंकि ये भक्ति कर रहा था तो इसका इधर सॉफ्ट हो गया था, एक एक करके बात आता था ये बड़ा हीरा राजा के लिए छोड़ देते, राजा भी तो भाई उसका भी तो राज्य है थोड़ा, करोड़ों रुपया हम लोग चोरी कर दो उसके भी 1 करोड़ का हीरा छोड़ देते, उसका भी कुछ चलेगा राजा। राजा बोला हाँ ठीक बोला। तो वहां से तिजोरी में क्या था, तो राजा जब चोरी हो गया सब चोरी हो गया। राजा ने पूछा सब चोरी हो गया, हाँ कुछ भी बचा था नहीं। तो राजा उसका नाम बोला कि इसको फलाना आदमी को बुलाओ, एड्रेस तो जो बताया था जो सेम एड्रेस, और उसको पकड़ लिया वही पर रहता था। तो बोला चोरी क्या बोला, हाँ राजा बोले तो सत्यवाद यार। तो राजा ने पूछा भाई तुमको चोरी का तुम सजा मिले, हाँ ठीक है जो सजा मिले होगी। बोले अब इतना गुस्सा क्यों रहे, एक तो आपके लिए भी छोड़े थे आप और मैं अकेला चोर था एक और चोर था समझ रहे, और आपके लिए हीरा छोड़े थे। तो राजा ने पूछा हीरा कहाँ गया समझ रहे, तो फिर और हीरा चोरी किया था मिनिस्टर को जेल के अंदर बंद कर दिया और चोर को मिनिस्टर बना दिया। So why he became minister? Because Guru of Guru's grace. And then he became a spiritual master बन गया और फिर सब पूरे राज्य को डिलीवर कर दिया। So that's why somebody may be very fallen, very bad habits, but spiritual master कृपा से unintelligent disciple can also by the grace of the spiritual master everything can be revealed. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर therefore says yasya prasada by the mercy of the spiritual master by the mercy of the supreme lord bhagavat prasad is revealed. So bhagavat guru ki kripa se kiski kripa milegi, yasya prasada bhagavat prasada yasya prasada Sagati Kutati Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Sagati Kutati Jayantu Vakasu Yasya Prasada Vakasu Yasya Prasada Jayantu Vakasu देवती बोल रही है कि गुरु जी अब मैं तो मूर्ख हूँ लेकिन आप कृपा करेंगे तो जल्दी मुझे चाहिए समझ में।
नेक्स्ट मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थ जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वामनायं यत् प्रवदन्ति सांख्यम् प्रवोच वै भक्ति वितान योगम तो देवती पर भगवान कपिल को दया आ गई कि उसकी बातें सुनकर कि उसने मेरे को जन्म दिया है और वो क्या किए उसको अब भगवान भक्ति का ज्ञान दे रहे क्या ज्ञान दे रहे तो बोल रहे देखो श्री भगवान उवाच देवानां कुंडलिकानां श्राविक कर्मणां सत्व एवेक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धे गरीयसी The Lord Kapila said, "Your senses are symbolic representations of the demigod, the natural inclination to work under the direction of the Vedic. And the senses are representative of the demigod, so the mind is a representative of the Supreme Personality of God. Mind's natural duty is to serve. When that service spirit is engaged in devotional service to the Lord, without any motive, that is far better even then. So, kaisi bhakti karni hai? Well, bhakti should have no ulterior. तो भक्ति कहते ज्यादा अल्टीरियर मोटिव जस्ट भगवान की पसंद है कि मुझे द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज एंगेज्ड इन सम ऑक्यूपेशन आइदर इन एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड इन इंजेक्शन ऑफ वेदास और मेंटल एक्टिविटीज नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ द सेंसेस टू वर्क फॉर समथिंग द माइंड इज द सेंटर ऑफ द सेंसेस Mind is actually the leader of the senses, therefore it is called Sattva. Similarly, the leader of all the demigods who are engaged in the activities of this material world, Sun God, Moon God, Indra, Chandra, Vayu, etc., is the Supreme Personality of God. It is stated in the Vedic literature that demigods are different limbs of the universal body of the Supreme Personality of God. Our senses are also controlled by different demigods. Our senses are representations of various demigods. The mind is a representation of the Supreme Personality of God. The senses led by the mind act under the influence of demigod. When the service is ultimately aimed at the Supreme Lord, the senses are in their natural position. The Lord is called Hrishikesh, for he is actually the proprietor and ultimate master of the senses. The senses and the mind are naturally inclined to work. But when they are mentally contaminated, they work for some material benefit or for the service of the demigod. Although actually they are meant to serve the Supreme Personality of Godhead. Senses are called Rishik and the Supreme Personality of God called Rishikesh. Indirectly, all the senses are naturally inclined to serve the Supreme Lord, that is called So, bolo dekhi senses ka swabhav hai seva. Kya to seva? तृप्ति करेगा या कोई पुण्य काम करने में देवताओं की सेवा करेगा या भगवान की भक्ति करेगा सबसे नेचुरल कौन सा है कैसी भक्ति करनी चाहिए और हेतु नो मोटिव कपिल देव सेड दैट व्हेन द सेंसेस विदाउट डिजायर फॉर मेटेरियल प्रॉफिट और विदाउट सेल्फिश मोटिव्स आर इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड वन इज सिचुएटेड इन डिवोशनल दैट स्पिरिट ऑफ सर्विस फार बेटर देन सिटी सेल्वेशन Bhakti, the inclination to serve the Supreme Lord, is in a transcendental position far better than Mukti or liberation. Thus, Bhakti is a stage after liberation. Unless one is liberated, one cannot engage the senses in the service of the... So, jab tak aap mukt nahi hoge, seva kaise karenge? Bhakti kab ki jati hai? Sahi bhakti kab hoti hai? Mukti ke baad. To jab tak ichha rahegi, tab tak sahi se bhakti, shuddh bhakti nahi hoti. Thodi bahut bhakti kar sakte hain. Shuddh bhakti kab chalu hogi? The conclusion is that when the mind is without contaminated either by Vedic injections or by mental activity. Vedic injections, contaminated होना मतलब कर्म कांड, पुण्य ये मिलेगा वो और mental activity. It's fully engaged Krishna consciousness, मतलब पाप, पुण्य और
बाप बूटे दोनों से ऊपर हूँ। बूटे मतलब लाइक मोटिवेटेड हो, भगवान के सिस्टम को फॉलो कर रहे, लेकिन विद द डिजायर फॉर सब मोटिवेशन, समझ रहे। और टेक्निकली डिफरेंस है, बट सिंपल बता रहा हूँ। टेक्निकली आप भगवान के पास जाते हैं बाकी चीजों के लिए, तो वो मिश्रित भक्ति कहलाते हैं, समझ रहे। और आप डेविगॉड्स के पास जाते हैं तो फिर वो बुद्धि कहलाते हैं। सगुण भक्ति में थोड़ा और फायदा है मिश्रित भक्ति में कम्पेयर टू बुद्धि। देवताओं के पास बहुत ही चीज जा रहे हो, भगवान के दोस्त ज्यादा ऊपर है, भगवान के पास बहुत ही चीज ज्यादा कम्पेयर टू डेविगॉड्स के पास। तो भगवान थोड़ा का प्योरिफिकेशन भी, बट बेस्ट है आप भगवान के पास जाइए, ज्यादा बहुत ही इच्छा मत रखिए। नेक्स्ट 33, जरियति आसुय आक्रोशम जरियति आसुय आक्रोशम दिगिरणम अनलो यथा। तो जला देती है, निराल कर देती है जल्दी ही। तो हमारी कोष मतलब भाई जो सटल बॉडी है उसको भक्ति क्या करती खत्म। जैसे आपका पेट में जो अग्नि होती है वो सब चीज को डाइजेस्ट, वैसे जब हमको भक्ति जागृत हो जाती है, भक्ति क्या करती है आपको आपके सूक्ष्म शरीर मन की इच्छा को बदल देती है। नैकात्मक में स्पृशंती के चित मत्पाद सेवा भिरात्मदीह, ये अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य समाजयन्ते मम पौरुषाणि। वेरी नाइस। अ प्योर डिवोटी हु इज अटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड हु ऑलवेज इंगेज द सर्विस ऑफ माय लोटस फीट नेवर डिजायर्स टू बिकम वन विद मी। सच ए डिवोटी इसके लास्ट लास्ट होगा वो भरपूर नहीं पड़े थे ना, जैसे बाकी सब चीज को डाइजेस्ट कर देता सब। भक्ति इज इन अ फार हायर पोजिशन देन मुक्ति, बिकॉज अ पर्सन एंडेवर टू गेट लिबरेशन फ्रॉम द मेटल एंगेजमेंट is automatically served in devotional service. The example is given here. The fire in the stomach can digest whatever we eat. If the digestive power is sufficient, then whatever we can eat will be digested by the fire in the stomach. Similarly, devotee does not have to try separately to attain liberation. That very service to the Lord is the process of this liberation. Because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate oneself from mental entanglement. See, Bilwa Mangal Thakur explained this position very nicely. He said, if I am unflinching devotional to Lord, then Bhakti serves me as my maid servant. So, jo log bhakt ko jaate hain, unke liye Bhakti Devi kya karti hai, haath jod ke aati hai, mere ko ek swikar karo, aur matlab koi isse aap swikarenge. Ye sab log bhakt ho gaye, bazaar mein hum log ko bolega, ye pakoda khali, chai pi li. घूमते तो चाय पिलाता जोड़ता बिस्कुट खाते। तो बाकी लोग जब सोचा चाय पियेंगे बिस्कुट खाएंगे ये खाएंगे लड्डू पेड़ हम लोग को लोग जोड़ता फिर हम लोग लेना। पर डिवोटी लिबरेशन इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिबरेशन टेक्स प्लेस विदाउट सेपरेट Bhakti therefore is far better than Bhakti or impersonal impersonation. Impersonal undergoes severe austerity than manage to attain Bhakti, but the Bhakta वो लोग इतना प्रयास करते Bhakti प्रयास करेंगे और भक्त बीजे बीजे Bhakti भाग कैसे just by simply chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Immediately he develops control over the tongue by engaging in chanting and accepting the remnants of footsteps of the Lord.
as soon as neck is controlled, naturally all other senses are controlled automatically. Sense control is the perfection of the yoga principle and one's liberation, because immediately as soon as they engage into the service of the Lord. इसलिए बोल रहे हैं भक्ति इज ग्लोरियस मोर ग्लोरियस देन सिद्धि और लिबरेशन. तो प्योर डिवोटी को जब भगवान बोलते हैं भगवान की सेवा में इतना आनंद मिलता है कि मुक्ति को भी स्वीकार इतना उसको आनंद भगवान कथा सुनने में हमें कथा सुन रहे कल से कितना आनंद मिल रहा है. आपको बोले बोझ मुक्ति देता बोले मुक्ति मेरे को बोले कुछ नहीं करना तू रूम में बैठ देंगे बस आते रहेगा वीडियो लाइक है आपको भक्ति में इतना आनंद क्या समझ रहे. There are five kinds of liberation stated in scripture. One is to become one with the Supreme Personality of God, or to forsake one's individuality and one with the Supreme Spirit. This is called Ekatmata. Devotee never accept this kind of. So, past tarah ke liberation kya kya hai? Sarupya. Bhagwan ke aisa roop prapt karna. Sarsti. Bhagwan ke aisa aishwarya prapt karna. Sa लोक के भगवान का सेम लोक प्राप्त करना एंड सारूप के भगवान के सारूप है और एक है सायुज्य भगवान भी भिक्ष भगवान के भक्त ये सायुज्य नहीं चाहते भगवान भिक्ष होना इधर उन्होंने कोई भी लिबरेशन नहीं चाहते. दैट इज सो मच हैप्पी सर्विंग द लॉर्ड. आई एम माय डियर लॉर्ड आई डोंट वांट एनीथिंग आई जस्ट वांट टू सर्व मेरा आपको इच्छा बस दर्शनम न जन्म न कविता बा मम जनवरीश को धर्म देखिए जन्म कुछ नहीं मेरे को सब सेवा चाहिए जन्म आपका उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए. अरे जन्म लोगों को कष्ट होगा कोई नहीं कष्ट होगा आपकी सेवा कर उसका नेक्स्ट श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट पश्यन्ति ते मे रुचि राणी अपसंत पश्यन्ति ते मे रुचि राणी अपसंत प्रसन्न प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्प्रियमावदन्ति. तो बोल रहे हैं पश्यन्ति देवे रुचिरानि अम्बसन्त ये भैया हमको जब भगवान के भक्त लोग आपके सुंदर रूप को देखते हैं भगवान के भक्त लोग भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं हाँ प्रसन्न वक्ता अरुण जी लोग समझ रहे भगवान का चेहरा कैसा था. मेरे कल हम लोग राधा बोधा बसो मदन गोपाल जी का तो सुंदर चेहरा समझ रहे ब्यूटीफुल प्रसन्न वक्त अरुण लोचना लाल लाल ब्यूटीफुल कैसे लगते हैं समझ रहे. और ये क्या होता है रूपांच दिव्य उनका दिव्य क्या होता है जैसे मैं इसको डिटीज देखे पागल हुआ समझ रहे इतने सुंदर लगते हैं बोलते घड़ो घंटो घंटो देखते इतने सुंदर लगते समझ रहे क्योंकि इसका क्या है और रूपानी दिव्य है उनका दिव्य रूप है और बड़ा प्रदानी प्रार्थना करेंगे तो पूरा भी करते हैं बहुत हमारे एक्सप्रेस डिटीज को प्रार्थना करेंगे पूरा साकम वाचम स्प्रिय राम मदन समझ रहे यहीं पर कहीं पर होगा ये तो यही पर है बस अंदर जाएगा नहीं सर जाएगा नहीं यहीं पर है सर. अच्छा इधर ही पार्किंग करने बोल रहे यही पर है यही तो है सर पासवर्ड इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद तो ध्यान से सुनिए समझ रहे. तो भगवान के रूप के इतना सुंदर होते हैं स्माइलिंग होते हैं भक्तों के साथ क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं समझ रहे. तो यह चीज का अनुभूति मायावादी को नहीं गोपाजी बोलते हैं ओ माय मदर माय डिवोटी इज ऑलवेज सी द स्माइलिंग फेस ऑफ माय फॉर्म विद आईज लाइक द राइजिंग मॉर्निंग दे लाइक टू सी माय वेरियस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म व्हिच आर ऑल बेनेवोलेंट एंड दे आल्सो टॉक फेवरेबली विद Mayavadi atheists accept the forms of the deities in the temple of the Lord as idols. But devotees do not worship
They directly worship the Supreme Personal Godhead, the Earth's incarnation. Earth refers to the form which we can worship in our present condition. Actually, in our present state, it is not possible to see God in His spiritual form because our mental eyes and senses cannot conceive of a spiritual. अगर उस स्पिरिचुअल चीज को नहीं परसीव करते तो भगवान दया करके मटेरियल चीजों में अपने आप को मैनिफेस्ट. वी कैन नॉट सी द स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल सोल. व्हेन अ मैन डाइज ही कैन नॉट सी हाउ द स्पिरिचुअल फॉर्म लीव्स द बॉडी. दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ आवर मटेरियल. इन ऑर्डर टू बी सीन बाय मेटल सेंसेस सुप्रीम पर्सनल गॉड एक्सेप्ट्स अ फेवरेबल फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड अर्थ. तो भगवान का दया करके बस छोटा बच्चा है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कैलकुलस तो टीचर उसका लेवल पे आके 1+1 टू सिखा रहा है. तो भगवान भी बेटर लेवल पे आके हम लोग को मैनिफेस्ट करके ताकि हम लोग बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे हमको बेटर लेवल पे आके एक्सपीरियंस दे रहे हैं. इन ऑर्डर टू बी सीन बाय द सुप्रीम लॉर्ड एक्सेप्ट्स अ फेवरेबल फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड आर्च विग्रह. दिस आर्च विग्रह समटाइम्स कॉल्ड आर्च इंकार्नेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम. जस्ट अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एक्सेप्ट वेरियस इंकार्नेशन. He takes on forms made out of matter, clay, wood, metal and rivers. There are many sastric injunctions which give instructions for carving forms of the Lord. These forms are not material. If God is all pervading, then he is also in material elements. There is no doubt about samadhi. Samjhega to phir patthar mein kyun nahi ho sakte. Kuch log bolte nahi nahi. Samjhega lekin ispe patthar mein. But the atheist think otherwise. They preach that everything is God. But when they go to temple and see the form of the Lord, was ye God nahi. अरे तू बोलता सब जगह भगवान इसमें भगवान क्यों नहीं हो सकता. अकॉर्डिंग टू द ओन थ्योरी एवरीथिंग इज गॉड. देन व्हाई इज द डीटी नॉट गॉड. एक्चुअली दे हैव नो कंसेप्शन ऑफ गॉड. देयर डिवोटीज विजन हाउ इज डिफरेंट. देयर विजन इज पेयर्ड विद लव ऑफ गॉड. एज सून एज दे सी द लॉर्ड इन हिज डिफरेंट फॉर्म्स देयर डिवोटीज बिकम सैचुरेटेड विद लव फॉर दे डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज फॉर्म. एज डू द एथीस्ट. The smiling face of deity in the temple is beheld by the devotees as transcendent and spiritual. तो उनको भगवान का रूप एकदम अच्छा लगता है, spiritual लगता है. And the decoration of the body of the Lord is very much appreciated by the devotees. भगवान का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, भगवान का हार कितना सुंदर लग रहा है. It is duty of the spiritual master to teach how to decorate deity in the temple. How to cleanse the temple, how to worship them. There are different procedures, rules and regulations which are followed to in temples of wisdom. And devotees go there and see the deity and spiritually enjoy the form because all the deities are benevolent. Devotees express their mind before devotee. In many instances, deity also give answers. But one must be a very elevated devotee in order to be able to speak with the... Kiske saath Bhagwan ne aadan pradan kiya tha? साक्षी गोपाल और कीर्चन गोपीनाथ. समझ रहे विठल विठल पांडुरंग. समटाइम्स द लॉर्ड तुकाराम आ गए. समटाइम्स द लॉर्ड इन्फॉर्म्स द डिवोटीज थ्रू ड्रीम्स. द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटीज आर नॉट अंडरस्टूड बाय एथीस्ट बट एक्चुअली डिवोटी एंजॉयस. कपिल मुनि एक्सप्लेन हाउ द डिवोटीज सी द डेकोरेटेड बॉडी एंड फेस ऑफ द डीटी एंड हाउ दे स्पीक विद हिम इन डिवोशनल सर्विस. अपॉन सीइंग नेक्स्ट Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing His very pleasing word, the pure devotee almost loses all their his senses, are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate. भगवान के विग्रह इतना आदान प्रदान करते हैं कि भक्त उनसे एकदम बहुत बड़ा आदान प्रदान करते हैं. When I was in Pune, when deities मेरे पास मेरे मतलब नया था तो छोटा एक छोटा लैमिनेशन मेरे रूम में रख रहा है. Many times they will listen. मैं भी था सर्विस करता था उनको बिना खिलाया नहीं खाता था. वॉइस में था मैं रूम भी था तो वो लोगों से आदान प्रदान करेंगे. फिर आपका फेथ मेरी मम्मी के पास गॉड दिखाई तो उनका बहुत आदान प्रदान करते. हम लोग सब बिना उनमें ट्रेन छूट गया और उनका हमारे से 10 गुना ज़्यादा लगेज था. वो लोग 3-4 लोग ही पहले ट्रेन में चढ़ पाए. उनका लगेज हमारे बहुत सारे डिवोटीज थे उनका कम लगेज था लेकिन दौड़ फोड़ के उन्होंने मिला. बोले वो लोग कैसे ट्रेन उनके लेट भी हो गया चेन पुलिंग हो गया जो भी वो लोग कुछ नहीं करना पड़ा. वो लोग बस वहाँ पे ऑटो मिल गया फटाक चढ़े और वो वाला लगेज वाला भी पता नहीं ट्रेन के पैसे तो घुमा फिरा के ट्रेन के अंदर मतलब समझ रहे. तो गॉड नहीं था मतलब जो डीटीज होते उनका अपना एक पावर होता है समझ रहे. सो डीटी इज रेसिप्रोकेट आल्सो.
तो डिवोटीज उनके साथ रहते रहते उनको बहुत वो हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, समझ रहे? जो उनके सेवा करते तो बहुत अटैचमेंट वो रेसिप्रोकेट करते, सो उसको लगने लगता है भगवान एक व्यक्ति है, उसका लगता है या कोई सेवा करता है। टू वेज यू कैन एक्सपीरियंस व्हेन यू डू आइदर प्रीचिंग, जब डिफिकल्ट सेवा करें प्रीचिंग प्लस ड्यूटीज का डायरेक्ट सर्विस करें, प्रीचिंग करें तो डायरेक्ट विल ऑफ लॉर्ड फॉलो करते, बहुत बार आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, आपका सुख सामान भी अपने आप आ जाए। मतलब मैं जब बुक डिस्कस करने जाता था तो मतलब पैसा नहीं जाना भूल जाता, इतना बिजी, इतना बिजी हो जाता था, सब लोग जाते थे एक डेढ़ घंटा बाद ब्रेकफास्ट के, मतलब 9:30 बजे भागरम क्लास खत्म होगा, जाएंगे लोग 11:30 लगा देंगे, 2 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं पहले से रेडी करके रखता था पहले अपना, तो 9:30 बजे मतलब सब कुछ रेडी था, मतलब तो बहुत बहुत कार्टून 3-4 कार्टून रह जाता था, किसी का हेल्प लेकर मैं टैक्सी में चढ़वा लेता, समझ रहे? 2-3 घंटे लोग लगाएंगे, 12-1 बजे से स्टॉल चालू होगा, 10 बजे स्टॉल चालू कर दूंगा, तो 3 घंटा और एक्स्ट्रा बुक सर। तो बहुत ऐसा 4-5 बार वो पैसा ले जाने भूल गया, पैसा भी लेना होता ना मतलब टैक्सी के लिए, उसको एक्सचेंज एक भी पैसा बस चेंज नहीं, टैक्सी नहीं, टैक्सी वाला मान जाता, समझ उसको गीता दे दिया कुछ, मतलब कैलेंडर दे दिया, मान जाता वो 3-4 पैसा होगा, मतलब ऐसे क्यों मानेगा कोई, परेशान कर देगा। लेकिन तो फिर मैं टेबल पे सेवा कर रहा हूँ, कोई है नहीं पैसा कलेक्शन, तो कोई आदमी आएगा तो फेवरेबल वही कलेक्शन करने लगे, मतलब सो कृष्णा में ग्रेट वैसे प्रभुपाद अमेरिका गए तो कितना हुआ रेसिप्रोकेट करें, समझ रहे? तो व्हेन यू डू सर्विस टू द लॉर्ड लविंगली विदाउट मोटिवेशन, क्या मैं एक चीज बताया, देवदूत ने पूछा कैसा सेवा करना है, कैसा भक्ति करना है, आकाश कैसा भक्ति करना है, विदाउट स्लीपिंग, समझ रहे? विदाउट सेपरेट मोटिवेशन ऑल्सो प्लस उसमें इसीलिए करंट परपोर्ट्स भी डालना पड़ेगा, समझ रहे? विदाउट स्लीपिंग ऑल्सो सारा दिन आ रहा खड़े हो जाइए जो भी करना। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट भगवान भक्तों के साथ क्या करेंगे, आदान प्रदान। जैसे सब भक्तों का ऐसा अनुभव है, बहुत सारे भक्तों का खास करके आप लोग वॉइस में रहते हैं, हम लोग पूरा लाइफ ही कृष्णा सेंटर्ड है, समझ रहे? तो वी विल सी दिस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लोग बोलते हैं 36 बोलते हैं कि जो भक्ति लोग एकदम मेरे व्यस्त हो जाते हैं मेरे को देख के पूरा एकदम, तो वो लोग को लिब्रेशन बिना एंडेवर के मिल जाता है, एंड दस बिकॉज इज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड थॉट ऑफ मी इतना हैप्पीनेस मिलता है भगवान में एब्जॉर्प्शन में कि उसको और कोई चीज का स्वर्ग लोग जाने का इच्छा नहीं होता, सत्य लोग भी जाने का इच्छा, अष्ट सिद्धि का इच्छा नहीं होता है, अष्ट सिद्धि नवनीति कोई चीज का इच्छा उसकी उसकी भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं होती। बोलता है भगवान मेरे को यहाँ कहीं पर भी रखे, पलाद बार बोलते हैं भगवत धाम जाने का इच्छा मेरे को यहाँ पर रखे, वहां मुझे सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन बिना इच्छा के उसको भगवता भेज जाता है, बिना इच्छा के उसको सब मुक्ति सब मिल जाता है, समझ रहे? तो वो लोग क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट द लॉर्ड एज, नेक्स्ट श्लोक जो है 38, न करिचित मत परा शांत रूपे नक्षंति यो में अनिमोसो लेधि हेति येषाम अहम प्रिय आत्मसुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम। वो लोग मेरे को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना माँ मानते हैं, पिता मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, गुरु मानते हैं, सब कुछ किसको मानते हैं? इस श्लोका से आता है, तबे वाता च पिता तमे बंधु च सखा। सो वो लोग सब कुछ किसको देते हैं, भगवान को, इसलिए बोल रहे हैं कि उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नक्षंति नो में अनिमिषो लेधि हेति, उनका दुनिया में कोई कुछ करेगा नहीं मैं रक्षा करने के लिए स्वयं, कि उन लोग मेरे को अपना सब कुछ बनाए। गॉड कंटेंट माय डियर मदर डिवोटी टू रिसीव सच ट्रांसेंडेंट ऑपुलेंस आर नेवर बिरफ्ट ऑफ देम। तो उनको जो ऑपुलेंस मिलता है, अच्छा वेल्थ जो भी, उनको उनको कोई छीन नहीं सकता, समझ रहे? नाइदर वेपन्स नॉर द चेंज ऑफ टाइम कैन डिस्ट्रॉय सच ऑपुलेंस बिकॉज द डिवोटी एक्सेप्ट मी एज देयर फ्रेंड देयर रिलेटिव देयर सन प्रिसेप्टर बेनिफिक्टर दे कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर पोजीशन एट एनी। इसको बोलते हैं अभय भक्ति, जब अच्छे से करेंगे अहेतु की भक्ति तो क्या मिलेगा आपको, भजहुरे मनो श्री नाद नाद अभय चरण, कब मिलेगा, अहेतु की भक्ति
भगवान को जो अपना माने की भगवान मेरे पति है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे फ्रेंड है, मेरे मास्टर, सब कुछ आप भगवान भी फिर बोलते टेंशन मत लो, सब कुछ मैं करूँगा। पांडव के लिए करते थे, उनके लिए रथ चला रहे, उनके लिए मैसेंजर बन रहे, मतलब जो जरूरत है कर, समझ रहे। तो भगवान बोल रहे टेंशन मत लो, जो मेरी भक्ति करे उसको कोई टेंशन, और उसको भगवत धाम मैं पहुंचाऊंगा। क्या बोलते भगवान आगे श्लोक में आता है, उसको भगवत धाम मैं पहुंचाऊंगा, उस मेरी इच्छा से, बोलते भगवान वायु चल रहा है, मेरी इच्छा से धूप आ रही है, मेरी इच्छा सब हो रहा है, तो मेरे भक्तों को टेंशन लेने का जरूरत है। पार्टी वाले बोलते मत भयाती मत भयाद वाती बात हो, मेरी भय से हवा चल रही है, सूर्य मेरे भय से तपित हो रहा है, भय से तपित हो रहा है भाई। सो दे आर डिवोटी, सो दे आर फियरफुल ऑफ नॉट डिसप्लीजिंग द लॉर्ड। जैसे हम लोग भगवान के भय से, हमको भगवान मतलब हम लोग सेवा करते, तो हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, समझ रहे, हम लोग ऊपर पर गिरी चढ़ेंगे, इन वन सेंस भय बोल सकते, लेकिन इट्स आउट ऑफ लव। तो सूर्य इज हैविंग सोच लव फॉर कृष्णा, इसी भगवान खुश नहीं होगा अगर मैं टाइम पे, हम लोग 4:30 बजे जब सपोज ड्यूटी पर वर्सी पर ड्यूटी पर, तो हम लोग टाइम पे जा रहे हैं, नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमको, हम ड्यूटी पर करेंगे नहीं तो क्या दिक्कत, लेकिन वाई डू वी गो ऑन टाइम, कि नहीं भगवान खुश हो जाए, नहीं करे जाएगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे। अब कुदरत से जरूरत है बाहर भी रह सकते, लेकिन वाई वी आर फॉलोइंग दिस रूल्स, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिसप्लीज। तो वही यहाँ पर लिखा गया है मद भयाद वाती। तो ये महाराज का लेक्चर से सुन रहा था, ऐसे मैं सोचता था कि ये सब मैनेजमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, अग्नि जो है भगवान का भय से चलता है, सूर्य पर दे आल्सो डिवोटीज आल्सो डू बिकॉज दे वांट टू प्लीज कृष्णा। इसीलिए क्योंकि ये भगवान अचिंत शक्ति वाले हैं, अद्भुत है, आदान प्रदान करने वाले, शक्तिशाली भी और आदान प्रदान करने वाले भी, इज नॉट ओनली बिग पर्सन, इज रेसिप्रोकल। कोई बहुत बड़ा आदमी लेकिन आपसे बात नहीं करता, फोन करो कौन है, तो देव देवाशीष बोलो तो भूख लग रहा था तो देख लो अपना जाओ बोला आपको कोई बड़ा आदमी मिल गया, क्या हुआ, कहाँ पर है, ओ देवाशीष इधर किधर है, बहुत दिन से बात नहीं होता है, समझ रहे, और कहाँ पर रहा इसका, तो बड़ा आदमी भी लेकिन आपको बहुत कॉर्डियल भी है, मतलब ही सो इंटरेस्टेड यू, समझ रहे। तो भगवान बड़े भी है बहुत, मतलब तुरंत आपके साथ आ जाते हैं, इसलिए बड़ा आदमी फिर आपके साथ मिलना नहीं चाहिए, बड़ा मतलब जैसे पहले ये दुर्पद और द्रोणाचार्य फ्रेंड थे, एक भी बड़ा आदमी बन गया तो द्रोणाचार्य को देखे भिखारी मेरा फ्रेंड कैसे कहलाएगा, तो बोला मैं जानता नहीं, निकलो यहाँ से। तो इस दुनिया में अ पर्सन वेरी बिकॉज वेरी बिग ही डोंट वांट टू एसोसिएट विद लो लो पीपल, बट लो इन द वेल्थ और समथिंग, ध्यान देता है। लेकिन भगवान का ऐसा गुण है वो सबसे ऊंचे, still is very odd, मतलब what is so charming कि वो बिक जाते, depend हो जाते, भगवान self sufficient, लेकिन भगवान यहाँ तक बोलते कि मुझे को खाना नहीं देगा तो भूखा मर जाऊँगा। अग्रदीप में डिटीज थे, भगवान बोलते यार उसका एक बेटा मर गया था पुजारी का, समझ रहे, गोविंद घोष का वाइफ मर गई तो कुछ नहीं बोला, भाई बेटा बोले तो गए नहीं, बोलता अरे बेटा अरे भाई गोविंद कौन खिलाएगा मेरे को, आपको अपना खाने का पड़ा, क्यों मेरा बेटा मर गया, बोलते एक बेटा मर गया दूसरा कोई बात है, बोला तो मैं आपका बेटा हो गया, बोला हाँ तो अब मैं श्राद्ध देंगे दूंगा। तो लॉर्ड इज वेरी ग्रेट ऑल्सो बट इज वेरी इसीलिए हम लोग तो नए भक्त हैं, हम लोग तो अभी अल्टीरियर मोटिव भी सही से नहीं छोड़े, समझ रहे, फिर भी हम लोग साथ थोड़ा बहुत आदान प्रदान, समझ रहे। So, इस श्लोक के साथ फिर वो बोलती है, वो लास्ट पे कंक्लूड करते हैं श्लोक में 43। ज्ञान वैराग्य युक्तेर भक्ति योगेर योगिना क्षेमाय पाद मूलमे प्रविशन्ति अकुतो। इसलिए ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भक्ति योग के द्वारा, समझ रहे, डिवोटीज क्या करते हैं, मेरे चरणों के आश्रय लेते हैं और उसके द्वारा वो लोग
भगवत धाम जा बिना भय के भगवत धाम जा पाते। एतन्मान एव लोके अनुस्मित पुंसा निश्रेय तिव्रेर भक्ति होकर मनोमयी अर्पितम स्थिर। Therefore, last look at it. Therefore, persons whose mind are fixed on the Lord engage in the intensive practice of devotional service. That is only means for attainment of the final perfection of life. इसलिए हम लोग कैसी भक्ति करनी चाहिए? तीव्र भक्ति। Because भगवान आदान प्रदान करते ready है। कभी कभी भगवान आदान प्रदान नहीं करते, वो भी उनका एक आदान प्रदान है। क्योंकि वो purify कर humble कर देते। So that we can, तो वो भी उनका एक आदान प्रदान है। So Lord is very kind. मैं जो मैं बहुत आदान प्रदान देखा था, खास करके आप जितना सेवा लेंगे, जितना आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ उनके लिए एक्सटेंड करते हैं, उतना ज्यादा आपको, समझ रहे हैं, बहुत देते हैं, छप्पड़ फार के देते हैं। कभी कभी ऐसा देंगे हम्बल कर देंगे। मैं सोचा था मैं बहुत विरक्त हूँ, तो पूरा इंडिया घूम रहा था बिना पैसे के, फिर कोई पैसा नहीं खर्चा करूंगा मंदिर का, ऐसे भगवान पर डिपेंड। तो घूमते घूमते पूरा इंडिया को मतलब विदाउ से निकला था, कुरुक्षेत्र प्रोग्राम था, कुरुक्षेत्र होके मैं हरिद्वार, द्वारका, जयपुर, अहमदाबाद, तो मैं बहुत घूम लिया 10 दिन, बहुत जगह घूम लिया। अब मेरे साथ घमंड आ गया था, एक भी पैसा खर्चा नहीं। इनफैक्ट मैं थर्ड डोनेशन और मिल गया, लोग मेरे साधु देखे कुछ पैसा भी देते, वाह सबको बताया कि देखा बिना कोई खर्चा किए गोविंदो का प्रसाद भी लेके आया था, लड्डू सब अपने खिलाए कलगड़ा मंदिर में था। और जब लास्ट में मेरा फिर उधर फोन आया, कुछ प्रीचिंग में बहुत हैम्पर हो रहा, जल्दी आइए, समझ रहे हैं। आता हूँ मैं, फिर मैं टिकट स्टेशन में गया अहमदाबाद कि भाई मेरे को कलकत्ता टिकट दे दो, कब बैठे? बोले एक हफ्ता बाद। क्या एक हफ्ता बाद? वो बोला जिधर जो भी ईस्ट डायरेक्शन में जाने वाले ट्रेन उसको टिकट दो। बोले भागो यहाँ से। तो भाई अपना लॉजिक लगाया भाई, तो वो ईस्ट जा रहा है तो जो भी ट्रेन होगा उसमें चढ़ करके चलते रहेंगे। तो भगा दिया, फिर आओ। फिर भाई स्टूडेंट अपने बड़े बड़े फ़ोन किया कि भाई मैं टिकट वगैरह मिल सकता है, तो तत्काल वो काट रहे थे। तो एक दिन बाद काटने का प्लान था, टिकट बुक हुआ आज का ही। आज का कैसे बुक हो गया? तो मतलब प्रीमियम तत्काल में कटवा दिया कुछ, समझ रहे? बाद में देखा उसमें चार्जेस कितना था, 2500 रुपया। उसने वो पूरा इतना घुमा था, सोचा था कुछ नहीं खर्चा हुआ, एक के बारे में समझ रहे? तो भगवान हम्बल करेंगे तुम। सो आई हैड अ प्राइड कि मेरा पैसे घूम लिया, समझ रहे? लेकिन तो वो प्राइड भी बहुत रहने नहीं देते। I could understand भगवान मेरा pride को smash. So in that way when we serve Krishna will develop sweet affection for him. समझ रहे? And this is a very beautiful place where Lord has reciprocated with Mother Ganga. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे और वहाँ वहाँ से चलेंगे। बहुत अच्छा माहौल मौसम है, हम लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे और चक्रवर्ती का स्वागत करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर गंगा देवी दुनिया में आना नहीं चाह रही थी, आना नहीं सी वांटेड टू। तो बहुत लोग उसमें पाप करे, देखते हैं कपड़ा धोता है लोग, क्या नहीं करता है, थूकता है, पैर धोता है, पाव धोता है, सब करता है। तो गंगा में आई डिड वांटेड टू कम बिकॉज़ पीपल विल नॉट ओनली पाव धोते अपना पाप धोते, समझ रहे? तो सी डिड वांटेड टू कम, समझ रहे? बाकी सब लोग आके आदित्य बुके पर अपना हाथ धोते, सबको जो मिर्चा उर्चा वाला था। क्या हालत है? वैसे गंगा जी सब डायपार डालता था, गंगा जी डेड वाटर टू कम। बट लॉर्ड सेड है बहुत इंपॉर्टेंट, तुम जाए तुमको सफरी को, लेकिन इससे दूसरों का उद्धार होगा। आई विल ब्लेस यू। यहाँ पर आके मतलब निकले थे पहाड़ के अंदर, लोग जाएंगे वहाँ पर जहाँ पहाड़ पर निकली थी गंगा, फिर छुप गई। फिर गौतम जी ने फिर पकड़ लिया, फिर छुप गई। फिर कुशावित कुंड बनाए, फिर छुप गई। विष्णु बोले बहुत हो गए गौतम जी, विष्णु भगवान कुछ नहीं बना, बार एक चक्कर। सो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज हॉरिबल प्लेस गंगा डे, वी डोंट वांट टू कम। एट द सेम टाइम इवन दो वी डोंट वांट टू, वी शुड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो भी है लेट अस नाउ टेक, हम लोग टावल भी लेके चल सकते हैं, समय मिला तो थोड़ा सा हिल की तरफ भी जाएंगे।